हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईपीएल मैच पर पकड़ा 85 लाख का सट्टा, 3 सटोरिए गिरफ्तार, 20 मोबाइल, एलईडी लैपटॉप आदि बरामद। महानगर की महामंदिर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर आईपीएल मैच पर लगाए गए 85 लाख के सट्टे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 20 मोबाइल, 1 LED, 1 लैपटॉप सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है। लैपटॉप में करोड़ों के सट्टों का खुलासा होने की उम्मीद है। प्रशिक्षु आरपीएस आशीष कुमार ने बताया कि रविवार रात मुखबिरी सूचना मिली कि पाटना स्थित धर्म नारायण के हत्ता में रहने वाले जनार्दन वैग के मकान पर क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। इस पर पुलिस की टीम का गठन कर उसके मकान पर रेड दी गई। तब मकान में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे जनार्दन वैग के साथ विशाल मंगानी एवं मनीष माहेश्वरी को पकड़ा गया। ये लोग राजस्थान पंजाब टीम पर सट्टा लगाते पाए गए हैं। आरपीएस आशीष कुमार के अनुसार आरंभिक पड़ताल में पता लगा कि पुलिस के पहुंचने तक ये लोग 85 लाख रुपए का सट्टा लगा चुके थे। मौके पर एक एलईडी लैपटॉप कनेक्टर, 20 मोबाइल, करीब 13,000 रुपए आदि जब्त किए गए हैं। सनद रहे कि आईपीएल सीरीज शुरू होने के साथ ही शहर में सटोरिए भी सक्रिय हो गए हैं। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से आईपीएल पर सट्टा लगाने की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा चल रहा है, जिस पर मैच जाब्ता नोटिस दी गई तो राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच में चल रही दूसरी पारी तक 85 लाख रुपए का सट्टा लग चुका था। घटनास्थल से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और एलईडी लैपटॉप, 20 मोबाइल कनेक्टेड डिवाइस और 13,200 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। मामले में अनुसंधान जारी है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।